नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार 22 अगस्त 2020 और करंट अफेयर को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। तो साथियों, आज की जो करंट अफेयर रहेगी उसको हम आरंभ करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या बनता है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था बोले तो NRA, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बनाई गई है अभी, ठीक है ना, राष्ट्रीय भर्ती संस्था के तहत चयन को मंजूरी देने वाला वाला पहला राज्य, यानी कि माइंड में रखना है, यानी कि जो अपना राष्ट्रीय भर्ती संस्था NRA, यानी कि आप सबको मैंने जिस दिन ये लागू किया गया था उसी दिन बताया था कि आगे से आपका रेलवे, SSC और बैंकिंग, इन सब के लिए कॉमन टेस्ट होगा जिसका नाम CET रखा गया है, ठीक है ना। और इस चयन प्रक्रिया को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, यानी कि कल उसने घोषणा कर दी है कि जो हम है ना भर्ती कैसे करेंगे, राष्ट्रीय भर्ती संस्था के तहत करेंगे, तो उस राज्य का नाम है आपका मध्य प्रदेश। क्या नाम उस राज्य का? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल है उसका नाम है आनंदी बेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, जबकि मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार उसको दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका नाम था श्री लालजी टंडन, जिनका देहांत हो गया था, उसके बाद यह कार्य करने लग रही है। और मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा था कि हमारा एक चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, के त्याग पत्र देने के पश्चात नया चुनाव आयुक्त, यानी कि जो हमारे चुनाव आयुक्त थे कौन, अशोक लवासा, उन्होंने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। अब इन्होंने त्याग पत्र दिया तो नया चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है, क्योंकि कल उसको भी घोषणा कर दी गई है, नया चुनाव आयुक्त क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है, तो बनाया गया है राजीव कुमार। अब दिमाग में आता है सर जी राजीव कुमार है कौन, इससे पहले कौन से पद पे रह चुका है, तो राजीव कुमार इससे पहले पूरा हो वित्त सचिव, क्या पूरा हो वित्त सचिव के पद पर रह चुका है। अभी दिमाग में आया कि जो अशोक लवासा था इसने त्याग पत्र क्यों दे दिया, क्योंकि एक बात क्लियर है कि अशोक लवासा सीनियर चुनाव आयुक्त बनने जा रहे थे, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने जा रहे थे, ये क्लियर था कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, अशोक लवासा होंगे, उसके बावजूद भी इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो क्यों दिया इन्होंने त्याग पत्र? तो याद रहे एशियाई विकास बैंक, नाम सुना होगा आपने, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बना दिया गया, समझ में आया पॉइंट, यानी कि चुनाव आयुक्त से इन्होंने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देने के पश्चात इन्हें
किसका? एशियाई विकास बैंक का क्या बना दिया गया? उपाध्यक्ष बना दिया गया। किसे? अशोक लवासा को, जो कि हमारे क्या थे? चुनाव आयोग थे। समझ में आ गया पॉइंट? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे दूषित शहर कौन सा बना? यानी कि यहां पर उस शहर की बात की जा रही है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। कितने से अधिक है? उस शहर की बात की जा रही है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख से अधिक है। तो सबसे दूषित शहर जो बना है उसका नाम आपका क्या है? पटना। क्या नाम है साथियों? उस शहर का पटना है। कल मैंने स्वच्छ शहर बताया था, स्वच्छ राज्य बताया था 2020 के आंकड़ों के अनुसार, कि स्वच्छ शहर जो बना है उसका नाम आपका क्या है? इंदौर है। स्वच्छ राज्य जो बना है उसका नाम आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। और सबसे दूषित शहर जो बना है 2020 में वो कौन सा बन गया? हमारा पटना। पटना कौन से राज्य की राजधानी है? तो हमारा आंसर रहेगा बिहार की। किसकी है? बिहार की है। फिर बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है? तो हम कहेंगे बिहार के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। क्या नाम है? फागू चौहान। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो हम कहेंगे नीतीश कुमार, जिसे हम सुशासन बाबू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सुशासन बाबू के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया इतना पॉइंट कि भाई राष्ट्रीय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बनाई गई है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपने आंसर दिया सर मध्य प्रदेश बना है। अशोक लवासा के स्थान पर कौन आए हैं? तो आपने कहा सर राजीव कुमार आए हैं। और सबसे दूषित शहर 2020 के आंकड़ों के अनुसार जिसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 लाख, कौन सा बना है? तो फर्स्ट टाइम आपका पटना बना है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, हमारा प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न देने की घोषणा की? समझ में आ गया प्रश्न कि 2020 के अंदर अभी राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाएगा और कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न देने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी इसका जो आंसर रहेगा, तो खिलाड़ी कितने रहेंगे? 5 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को देने की घोषणा की है? 5 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की है। चलो एक एक करके हम उनको सोल्व करते हैं कि कौन कौन सा खिलाड़ी है। नंबर 1 पे हमारा आता है रोहित शर्मा। इसका संबंध कौन से खेल से है? तो आप कहोगे सर इनका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। नंबर 2 पर जो आपके खिलाड़ी आते हैं उसका नाम क्या है आपका? मरियप्पन। मरियप्पन है, ठीक है ना, मरियप्पन टी भी बोल देते हैं। और इनका जो संबंध है वो है पैरा एथलीट। क्या है? पैरा एथलीट। क्लियर पॉइंट? क्या है? पैरा एथलीट हैं, एथलेटिक्स भी बोल सकते हैं, आधा कह और से भी लगा सकते हैं उसमें, पैरा एथलीट है। तीसरा जो खिलाड़ी जिसका नाम की घोषणा की गई है उसका नाम है मोनिका बत्रा।
मोनिका बत्रा। और मोनिका बत्रा का संबंध कौन से खेल से है? तो आप कहोगे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से है। कौन से खेल से है? टेबल टेनिस से है। क्लियर पॉइंट एकदम, यस नो? और जो फोर्थ खिलाड़ी की घोषणा की गई है वो कौन सा हमारा, तो आप सबका सुना सुनाया है, विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट का संबंध कौन से खेल से है? तो रेसलिंग, बोले तो कुश्ती। किससे है? कुश्ती से है। ठीक है, उसके बाद है आपकी नंबर फाइव, रानी रामपाल। ठीक है, और रानी रामपाल का संबंध है किससे है? हॉकी से। रानी रामपाल का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से है। तो इन पांच नामों की भी घोषणा की गई है कि इनको क्या दिया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न देने की घोषणा की गई है। अभी थोड़ा और माइंड में रखिए कि जो 2019 था हमारा, कौन सा था? 2019 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? दो खिलाड़ियों को दिया गया था। एक तो था आपका बजरंग पुनिया, और जो दूसरा था आपका उसका क्या नाम था? दीपा मलिक। ठीक है ना, 2019 में कितने को दिया गया था? दो को दिया गया था। और अब कितने को दिया गया है, देने की घोषणा की गई है, तो पांच को देने की घोषणा की गई है। फिर जो राजीव गांधी खेल रत्न है, क्या राजीव गांधी खेल रत्न, ये कब दिया जाना आरंभ किया गया था? तो याद रहे, राजीव गांधी खेल रत्न 1991 ईस्वी में दिया जाना आरंभ किया गया था। ठीक है ना, इसे खेल रत्न के नाम से भी डायरेक्ट बोल दिया जाता है। अगर आ जाए तो आपका आंसर यही रहेगा, खेल रत्न, यानी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा बड़ा सम्मान अगर कोई है तो आपका क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न है। आप कहोगे सर भाई 1991 से पहले जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता था वो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता था? भाई 91 के बाद तो आपको बता दिया कि राजीव गांधी खेल रत्न आ गया जी, भाई इससे पहले हमारा कौन सा होता था खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान? तो इससे पहले जो होता था उसका नाम था आपका अर्जुन अवार्ड। क्या नाम था? अर्जुन अवार्ड। ठीक है, तो इस प्रकार रहेगा। अगला देखिए, डकर फ्रांसीसी को क्या, डकर फ्रांसिसको असु, ये नाम है दोस्तों, डकर फ्रांसिसको असु किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, यानी कि कौन से देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? कौन? डकर फ्रांसिसी को असु किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो हमें यह बताना है। तो उस देश का नाम क्या है? चलो मैं यहां पे लिखता हूं, इक्वेटोरियल। गिनी, इक्वेटोरियल क्या है? गिनी। एक तो याद रहे कि इक्वेटोरियल गिनी कौन से महाद्वीप के अंदर है, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में, कौन से में है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट? फिर इसकी राजधानी का क्या नाम है? किसका? इक्वेटोरियल की राजधानी। तो इक्वेटोरियल की जो राजधानी है उसका नाम आपका रहेगा मलाऊ। क्या रहेगा उसका नाम? मलाऊ। और इसकी मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा। ठीक है ना, तो मुद्रा का नाम आपका रहेगा सेंट्रल अफ्रीकन
सेंट्रल अफ्रीकन फ्रिंक क्या रहेगा, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रिंक रहेगा, ठीक है ना। किसकी किसकी मुद्रा ये, इक्वेटोरियल गिनी की, किसकी, इक्वेटोरियल गिनी की मुद्रा का नाम है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, गोपाल स्वामी कौन सा स्वामी, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, का निधन हो गया, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था, ठीक है ना। किसका निधन हो गया, गोपाल स्वामी कस्तूरी नंगन का संबंध हो गया, निधन हो गया, जिनका संबंध बताना हमने, तो ये हमारे पूर्व क्रिकेटर थे जी, क्या थे, क्रिकेट से, यानी कि खेल जगत से थे, ठीक है ना। कर्नाटक राज्य बेंगलोर के अंदर ये रहते थे, कर्नाटक से इनका विलोम था, और कर्नाटक के राज्यपाल का क्या नाम है, तो आप कहोगे सर बज्जू भाई वाला, कौन है, बज्जू भाई वाला है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा, कौन है, BS येदियुरप्पा है। समझ में आ गया पॉइंट, यस नो, चलो इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट देखेंगे अब हम। ये समझ में आ रहे हैं ना पर्सन, बिल्कुल साफ साफ लिखने का प्रयास कर रहा हूं अलग अलग पॉइंट को, ताकि दिमाग के अंदर एक बार सेट हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर का किसी भी एग्जाम के अंदर अत्यंत महत्व रहता है। तो देखिए इसी बीच हमारा अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या कहता है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन होगा, एक तो माइंड में रहे कि मैंने यहां पे डाला टोक्यो ओलंपिक, आप कहोगे सर टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है, और कब कर दिया गया है, 2021 में होगा, कब होगा, 2021 में होगा, और 2021 में भारतीय टीम का स्पॉन्सरशिप किसके पास गई है, तो ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो स्पॉन्सरशिप है इनॉक्स ग्रुप के पास, INOX ग्रुप है, इनॉक्स ग्रुप को ये क्या दी गई है, स्पॉन्सरशिप दी गई है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है, और अगला प्रश्न क्या कहता है, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने, के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है ना, उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री चुने गए हैं अभी हाल में ही, तो उनका नाम है कैथ रोवली, ठीक है। अगर आपसे त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पूछ लेता है तो पोर्ट ऑफ स्पेन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोर्ट ऑफ स्पेन बोला जाता है। अगर आपको त्रिनिदाद टोबैगो की मुद्रा पूछ ली जाती है तो त्रिनिदाद टोबैगो डॉलर कहा जाता है, त्रिनिदाद टोबैगो डॉलर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर, कल फिर मिलेंगे नए आंकड़ों के अनुसार, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस का बैच मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आरंभ कर दिया गया था, जल्द ही आपका सेट CET
क्या बोला मैंने, सेट, सी ई टी, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्र सरकार ने सभी का एक कॉमन टेस्ट रखा है, उसका भी आरंभ किया जा रहा है, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।